115 साल पुराना है, 1901 में बना हमारे हस्बैंड के ग्रेट ग्रैंडफादर का ये मकान है। उस वक़्त वो और उनकी बेगम यहाँ पे रहा करते थे। हम शादी होके आए थे 25 साल पहले। कोशिश यही करी है कि जो भी जैसे भी बुज़ुर्ग करते थे वैसे ही हमारे बच्चे भी उसको फॉलो करें, हालांकि आजकल के ज़माने में मुमकिन नहीं हो पाता है। बच्चियां तो कॉलेज जाती हैं तो उनको निकलना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए अभी भी पॉसिबल नहीं है। खानों में हमारे बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ खाने भी वही पुराने तौर तरीके हैं। अभी भी लकड़ी का चूल्हा जलता है जब ज़रूरत पड़ती है तो। जब हल्के जाड़े हुए और धूप निकली हुई है तो आंगन में बैठ के लकड़ी के चूल्हे की रोटी और चटनी और सब्ज़ी और ये बहुत इन्जॉय करते हैं। और स्पेशली वो सबसे बड़ी चीज़ जो इन्जॉय करते हैं वो यहाँ का सिक्योर माहौल, जैसे कि आप देख रही होंगी बेटा कि यहाँ पे घर में कोई बाहर वाला इस घर को अंदर से नहीं देख सकता। छोट हमारा घर जो है वो इतना बड़ा है कि हमारा ही घर ऐसा है कि हमारी सारी फ्रेंड्स इकट्ठा होके यहाँ पे हम पार्टी कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अरे फ्लैट ले लें, एक ताला लगाएं और चले जाएं, नहीं, हमें मज़ा आता है कि 10 ताले लगाने हैं, 4 लोगों से बोल के जाना है कि बेटा देखे रहना हम लोग बाहर जा रहे हैं, बट उसका मज़ा और है बेटा। तो हमारे तो अभी भी वही ट्रेडिशन है, गेहूँ आते हैं, धुलते हैं, आंगन में सुखाए जाते हैं। बहुत ही मुश्किल काम है, घर बहुत सफाई मांगता है। ऊंची ऊंची छतें होती हैं, हमारे पास लेडीज़ हैं काम करने वाली, उनके लिए वहाँ सिंपल कॉबवेब निकालना, जाले निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कोशिश यही रहती है कि जितना भी पुरानी इसकी ग्लोरी है उसको मेंटेन कर सके, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे मिलने वाले आते हैं और घर को अप्रिशिएट करते हैं। आई फील वेरी सैड जो लखनऊ की हालत हो गई है कि निकल नहीं सकते। जब हम शादी होके आए हैं तो ये मेडिकल कॉलेज वाली रोड पे मुश्किल से एक वक्त में 10 गाड़ियाँ जा रही होती थी, और अब जैम्स होते हैं। जैम्स हमने लखनऊ में अब से 20 साल पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किए थे। लखनऊ का वो जो लेड बैक एटीट्यूड है, वो नवाबी तहजीब जो उसकी है, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो कहीं इस सब डेवलपमेंट में खो गई। दिल्ली में जाओ नबिया कहती थी हम क्या क्या बात करते हैं, तो मेरी फ्रेंड्स कहती बाकी लोग कहाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल खोती जा रही हैं। और अभी किसी ने हमारे बेटे से यही समझाया कि बेटे आप नौकरी करने कहीं भी जाएं, लेकिन जो ये लखनऊ की तहजीब है इसको कहीं मत खोलिएगा। हम लोगों ने मॉडर्न चीज़ें कहीं कहीं ज़रूरत जहाँ पे हुई वहाँ पे की, लेकिन बेसिक फर्नीचर और ये सारी चीज़ें जो हैं उस पर हमने बदलने की कोशिश नहीं की। वो सब पुरानी, सब एंटीक्स हैं, सब एंटीक्स हैं। ये दोनों कॉर्नर जो हैं वो भी सब एंटीक्स हैं, टेबल भी एंटीक है, सभी एंटीक्स हैं। अच्छा, बदल के मेरे ख्याल से घर के साथ जाएगा भी नहीं। अगर हम कोई चीज़ मॉडर्न यहाँ पर रख देंगे तो घर के साथ जाएगा भी नहीं। फेवरेट स्पॉट के बारे में पूछा तो बेटा आई थिंक आंगन भी हमारा फेवरेट स्पॉट है, क्योंकि जाड़े तो हमारे बहुत ही प्लेजेंट कटते हैं। यहाँ पे पहली किरण जो धूप की आती है और जब आंगन में मतलब ऐसा होता है कि हम बैठ सकते हैं। आंगन इज डेफिनेटली द मोस्ट प्राइज, एंड इफ यू विल नोटिस हमारा आंगन परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर याद होगा ना कि वो एक मुहावरा था ना, नाचना है और आंगन टेढ़ा, तो उसके लिए और टू मेक दिस आंगन अ परफेक्ट स्क्वायर, हमारे घर के कोई कमरा जो है वो बराबर डायमेंशंस का नहीं है, छोटा बड़ा, मतलब एक दीवार छोटी है, फिर टेपरिंग है सारे कमरे, ताकि हमारा आंगन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रहे। बच्चों ने साइकिल चलाना इसी आंगन में खेल सीखी, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता था, सब कुछ होता था। हाँ, अब मेरा आंगन सूना हो गया जब से बाहर बच्चे चले गए, क्योंकि अब यहाँ क्रिकेट खेलने वाला कोई नहीं होता, शीशे तोड़ने वाला कोई। अब थोड़ा सा घर काटने के दौरान